विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिहा होने के बाद आनंद मोहन सहरसा में ही हैं, यानी कि जेल से तो वो निकल चुके हैं, लेकिन आनंद मोहन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिहाई के बाद भी आनंद मोहन सहरसा में ही मौजूद हैं। आनंद मोहन 1 बजे विजय जुलूस निकालेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि विजय जुलूस उनके गांव तक जाएगा, गांव में देवी भगवती का मंदिर है जहां पर वो पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद वो पटना वापस जाएंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। पहले इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 से 11 बजे के बीच सहरसा जेल से उनकी रिहाई होगी, क्योंकि तमाम औपचारिकताएं होती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी जो तमाम औपचारिकताएं थी वो सुबह 4:30 बजे कैसे पूरी कर ली गई, क्योंकि अगर 10 बजे का वक्त होता जब 9 बजे अधिकारी पहुंचते हैं उसके बाद कागज निकलते हैं, अगर कोई आम आदमी होता तो शाम तक भी रिहा नहीं हो पाता। लेकिन देखिए, आनंद मोहन का मामला था, ये स्पेशल मामला था, इसलिए सुबह 4:30 बजे ही जेल से उनकी रिहाई हो जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त भी वो सहरसा में ही हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि इस वक्त भी वो सहरसा में ही हैं और खबरों के मुताबिक 1 बजे वो विजय जुलूस निकालेंगे, विजय जुलूस उनके गांव तक जाएगा। और इस वक्त की खबर यह है कि सहरसा में उनके स्वागत में पोस्टर लग गए हैं, पोस्टर को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े बैनर यहाँ पर पूरे शहर को पाट दिया गया है उनकी तस्वीरों से। आप हम दिखा रहे हैं जो पोस्टर लगाया गया है उस पर लिखा गया है शेरे बिहार की रिहाई पर शुभकामनाएं, बधाई, इस तरीके की बातें वहां पर लिखी गई है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं आनंद मोहन के स्वागत में किस तरीके से वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। और जो सबसे बड़ी खबर है आनंद मोहन से जुड़ी हुई इस वक्त की, वो ये है कि रिहा सुबह 4:30 बजे हुए हैं और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो पटना चले गए हैं, लेकिन नहीं, वो सहरसा में ही आनंद मोहन मौजूद हैं। तो तमाम तरह की बातें हो रही थी, आनंद मोहन इस वक्त सहरसा में ही मौजूद हैं और खबर ये मिल रही है कि वो 1 बजे दिन में वो विजय जुलूस निकालेंगे। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे आनंद मोहन की रिहाई हुई है, 1 बजे दिन में वो विजय जुलूस यहाँ पर निकालेंगे और उसके बाद वो पटना वापस चले जाएंगे। उनके गांव में दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर पूजा करने का उनका कार्यक्रम था। जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आनंद मोहन सुबह 4:30 बजे जेल से रवाना हो गए हैं, यानी कि सारी औपचारिकताएं, जिस तरह की बातें हो रही थी कल कि जो औपचारिकताएं हैं, जो कागजात हैं, क्या वो पूरा कर लिए गए हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रजनीश मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पटना हमारे साथ। रजनीश, दो सवाल है, एक तो ये कि 4:30 बजे सुबह, दूसरी खबर ये आ रही है कि सहरसा में ही मौजूद हैं आनंद मोहन, और हम बात कर रहे थे कि अगर कोई आम आदमी होता तो 9-10 बजे तो अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, जेल पहुँचते हैं, उसके बाद कागजात खुलते, देर होती, परिजन आते, शाम तक मामला चलता, ये 4:30 बजे, ये सरकारी तंत्र के काम करने का कौन सा तरीका है रजनीश? देखिए, जब इस तरीके का कोई VVIP या फिर इस तरीके से विशिष्ट लोग जो हैं उनको अगर बाहर निकालना हो तो भीड़ भाड़ से बचने को लेकर और तमाम जो बातें हैं उसको लेकर तो ऐसे शेड्यूल भी इस तरीके से दिए जाते हैं, साथ ही साथ निर्णय भी इसी तरीके से लिए जाते हैं। तो रात को जो निर्णय हुआ था, पूरा जो प्रकरण है और जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी तेज है, उसके अनुसार तय हुआ कि जो शेड्यूल 12:01 बजे का है उससे काफ़ी पहले, चूँकि मीडिया भी काफ़ी मौजूद है सहरसा में तमाम सारे, और राष्ट्रीय और बिहार के भी जो लोग हैं बड़े पत्रकार तमाम सारे वहाँ पे इस जो घटना है इसको कवर करने को लेकर, तो आनंद मोहन की रिहाई जो है एक राजनीतिक जिस तरीके से चीज़ें हैं और वो कुछ बन रहा है समीकरण, और 2024 का चुनाव भी है और इस बीच जो मामला पूरा है और जिस तरीके से जेल मैनुअल में संशोधन किया गया इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है, तो इस लिहाज से वहाँ पर उपस्थिति थी। तो इन सब बातों से बचने को लेकर सुबह सुबह ही 4:30 बजे आनंद मोहन, चूँकि उसके पहले जो कुछ कानूनी जो
लीगल काम थे वो सारे पूरे कर लिए गए थे और इसके बाद 4:30 बजे जो है उनकी रिहाई वहाँ से हुई। उसके बाद वो अपने पैतृक गांव जो है पचगछिया वहाँ पे पहुँचे, माँ से मिले, उसके बाद मंदिर में वहाँ पे दर्शन और भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया और अब सहरसा में ही हैं, लेकिन अपने पैतृक गांव से निकल गए हैं और सहरसा में ही वो किसी दूसरे जगह पे हैं। और चूंकि मीडिया से भी और तमाम लोगों से इस बात को बताया नहीं जा रहा है, चूंकि भारी संख्या में उनके समर्थक भी वहां पे हैं, तो इन सब बातों के बीच में लेकिन अब जो खबर आई है वहां से उसके अनुसार आनंद मोहन जो है 11:30 के आसपास में वहाँ पे जो अंबेडकर मूर्ति है वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा पर वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे और शंकर चौक स्थित जो मंदिर है वहाँ पे भोलेनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन पूजा करने के बाद, और इस दरमियान लवली आनंद जो हैं पूर्व सांसद भी रही हैं, उनकी पत्नी साथ में है। तो चूंकि पटना आवास पे देखिए कोई भी घर के सदस्य जो है वो नहीं है, कुछ रिलेटिव्स दूर के जरूर यहाँ पे हैं, चूंकि यहाँ भी मांगलिक कार्य था पिछले दिनों इसको लेकर जो बाहर से कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, तो बहरहाल सारे लोग सहरसा में हैं और उसके बाद सहरसा से पटना के लिए रवाना होंगे और पटना पहुँच कर यहां कुछ अपने जो उनके पॉलिटिकल सर्कल के उस तरीके के लोग हैं जिनको वो धन्यवाद देंगे इस बाबत, और इसके बाद फिर वो मांगलिक कार्य और जो वैवाहिक कार्यक्रम है इसको लेकर देहरादून में जो 3 तारीख को शादी तय है मई के महीने में, तो फिर वहाँ के लिए वो प्रस्थान करने का कार्यक्रम है। तो लिहाजा काफ़ी तब्दीलियाँ जो हैं उनके पहले से शेड्यूल्ड कार्यक्रम में वो बदलाव हुए हैं और अब आनंद मोहन सहरसा में ही हैं और इसके बाद यहाँ पे जो उनका अपना प्रभाव है उस क्षेत्र में, तो जो महापुरुष है उनको नमन करके और फिर भगवान से आशीर्वाद लेकर और फिर वो अपने समर्थकों से मिलते हुए पटना रवाना होंगे। जी बिल्कुल रजनीश, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तमाम खबरें कल मिल रही थी कि उनका ये कार्यक्रम है, रोड शो करेंगे, तो क्या ये भी हो सकता है कि ये जो विजय जुलूस की बात हो रही है, जिस तरीके से सुबह 4:30 बजे वो जेल से निकलते हैं चुपचाप, कहाँ हैं अभी किसी को नहीं बताते हैं, इसलिए क्या ये भी मुमकिन है कि अन मौके पर विजय जुलूस का कार्यक्रम भी टाल दिया जाए? देखिए आनंद मोहन जब सहरसा के रास्ते में थे तो उनसे जो बातें हुई थी पटना से सहरसा के रास्ते में, तो उन्होंने कहा था कि अभी कुछ नहीं कहेंगे या फिर अभी कुछ नहीं, लेकिन निकलने के बाद ज़रूर बोलेंगे और समय पर सारी बात भी बताएंगे। और जिस तरीके से प्रोसेशन की बात है और तमाम बातें हैं, देखिए जगह जगह पर रास्ते में चूँकि आनंद मोहन के समर्थक जो हैं वो उनके हार्डकोर समर्थक हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारियाँ कर रखी हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है वो बदली हैं और इस भीड़ भाड़ से बचाव को लेकर ही और जो एक मैसेज जो आम जन में जा रहा है इसको भी रिमूव आउट करने को लेकर इस तरीके से निर्णय लिए गए और सुबह में 4:30 बजे वो जेल से बाहर आ गए सुबह में ही। तो अब उसमें कुछ कर्टेल जरूर होगा, लेकिन इतना ये भी तय है कि जो उनके समर्थक भारी तादाद में है तो अगर वो जगह जगह पे स्वागत करते हैं या कुछ इस तरीके से उनके वेलकम को लेकर या उनकी रिहाई को लेकर अगर खुशी का इजहार करते हैं तो इसमें भी कोई इनकार नहीं होगा, चूँकि रास्ते से गुजरेंगे तो वो उनसे मिलते जुलते ही आएंगे। तो इस तरीके से कार्यक्रम है और अब आनंद मोहन जब 12 बजे के आसपास सहरसा से निकलेंगे तो फिर किस तरीके से लोग हैं उनके समर्थक उनकी किस तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिलती है वो सामने आएगी। और आनंद मोहन जो है अब यहाँ पे पहुँचेंगे और पॉलिटिकल उनका जो कुछ नेता और सर्कल है वहाँ पे जाकर इस दरमियान जो उन्हें समर्थन और सपोर्ट मिला है और जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं इसको लेकर वो धन्यवाद देंगे और फिर वो देहरादून के लिए रवाना होंगे जो शेड्यूल्ड है उसके अनुसार। बिल्कुल, और रजनीश आप हमारे साथ बने रहिए, जाहिर सी बात है कि हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन खबर यहाँ पर यह मिल रही है कि